Hey guys, I'm Angit and welcome back to my channel again. जैसे कि आपने नीचे टाइटल देख ही लिया होगा, आज मैं कल क्लब फैक्ट्री का रिव्यू करने वाली हूँ. एंड गाइज, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखे जा रहे हो बट आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो मेरे चैनल पे एंड मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगेन मैं बोल रही हूँ, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. एंड लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा हॉल अच्छा लगा हो, मेरे क्लब फैक्ट्री का हॉल अगर आपको अच्छा लगा हो. एंड लास्ट में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस शेयर भी कर सकते हो आप. सो अब मैं ज़्यादा बातें ना करके आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्लब फैक्ट्री आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा. प्ले स्टोर पे जाके आपको वहाँ पे क्लब फैक्ट्री लिखना पड़ेगा. क्लब फैक्ट्री आने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको करने के बाद आप क्लब फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हो. एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे, लाइक आपको क्लोथिंग की वैरायटी मिल जाएगी, वुमेंस क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, एंड आपको शूज़ की वैरायटीज़ मिलती है, आपको बैग्स की वैरायटीज़ मिलती है, आपको बहुत सारे यू नो टाइप के बैग्स मिल जाएंगे वहाँ पे, आपको वॉचेस की वैरायटी मिल जाएगी, आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, आपको गैजेट्स के स्टफ मिल जाएंगे, लाइक आपके फ़ोन एंड आपके कैमरा रिलेटेड जो भी स्टफ्स होते हैं आपको वो सब मिल जाएगा. देन उसके बाद आपको ब्यूटी स्टफ्स भी मिलते हैं, लाइक इसमें आपको मेकअप प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको इसमें सिर्फ ब्यूटी स्टफ्स मिलता है, लाइक ब्यूटी में यूज़ होने वाले जो भी स्टफ्स हैं वही सब मिलते हैं. आप अगर इंटरेस्टेड हो अगर क्लब फैक्ट्री ज्वाइन करने में तो फिर जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर किस तरह के ब्यूटी स्टफ्स मिलते हैं. तो गाइस, अब मैं इसकी शिपिंग चार्जेस एंड जो भी शिपिंग की जो बातें हैं मैं वो सब आपको बताती हूँ. तो अगर आप 2000 से बिलो रेंज में अगर कुछ भी अगर आप परचेज करते हो तो गाइस आपको 126 आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो आई थिंक 120 रुपीज़ आपको शिपिंग चार्जेस का पे करना पड़ेगा अलग से. एंड अगर आप 2000 से ऊपर अगर कुछ भी लेते हो तो फिर आपका शिपिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगता है. सबसे अच्छी बात मुझे को यही लगी कि इसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं है. देन इसके बाद इसमें जो है आप पेमेंट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, आप सीओडी से भी कर सकते हो, लाइक कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट कर सकते हो, बट आई थिंक आपको 94 रुपीज़ आपको अलग से पे करना पड़ेगा. तो आई थिंक इससे बेटर है कि आप पेटीएम एंड ये सब यूज़ करो. अब अगर कंफर्टेबल तो फिर आप सीओडी भी यूज़ कर सकते हो. तो गाइज, ये थी इसकी शिपिंग एंड पेमेंट वेमेंट की सब सारी डिटेल्स. तो अब मैं इसकी पैकेजिंग पे आती हूँ. तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है. एंड गाइज, मैंने आज ही मैंने अपना पार्सल रिसीव किया. ये 10 डेज लगता है इसको आने में. जैसे आप मैंने 13 जनवरी को मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था एंड 23 आ जाए तो मैंने अपना पार्सल आज रिसीव किया. एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने फर्स्ट टाइम मैंने क्लब फैक्ट्री ज्वाइन किया एंड क्लब फैक्ट्री में से मैंने कुछ चीज़ें यू नो परचेज की. तो मैंने सोचा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी एंड थोड़ी बहुत नर्वस भी थी. एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार पता नहीं क्लब फैक्ट्री में क्या चीज़ें हैं एंड मतलब वो सब चीज़ें क्या हैं. थोड़ी बहुत नर्वस भी थी क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे लगाए, प्लस उसमें पता नहीं प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, वो सही सलामत आया है कि नहीं, तो मैं इसलिए थोड़ी सी नर्वस भी थी. तो इसलिए फर्स्ट टाइम गाइज, मैंने पहले सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँगी. सॉरी गाइज फॉर दिस टाइम, मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई. मैंने फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने अपना पार्सल रिसीव किया, मैंने 2 मिनट में इसको यू नो जंगलियों की तरह खोल दिया इस तरह से. तो गाइज, आप हंसना मत इसकी पैकेजिंग देख के. तो ये इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है. यहाँ पर क्लब फैक्ट्री लिखा रहता है एंड सब चीज़ें, एंड यहाँ पर जो भी डिटेल्स इसकी बैक साइड पर है, यहाँ पर बिल में सब कुछ लिखा है, आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिया, उसके रेंजेस क्या हैं. तो उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से बबल रैप में प्रोडक्ट्स मिल जाती है. ये भी बिल्कुल वेल रैप्ड थी तो मैंने उसको बिल्कुल खोल दिया जैसे कि बोला. तो इसको ओपन करने के बाद आपको अगेन एक बड़ा सा जिपर लॉकर बैग मिल जाता है. तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको एक जिपर लॉकर बैग मिलता है एंड इसमें आपके सारे स्टफ्स रहते हैं. तो मैंने ज़्यादा स्टफ्स लिए नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आज 10 to 11 समथिंग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किया है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने कहा मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मैं थोड़ी सी डर रही थी कि पता नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स मैं पहले से ही सब परचेज कर लूँगी एंड उसका क्वालिटी कैसा होगा. तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने परचेज नहीं किया. तो अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें. गाइस, सबसे पहले मैंने ये इयररिंग लिया है. तो इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लाइक ये बड़े से जिपर लॉक बैग में तो आता ही है. प्लस इसके अंदर जो एक एक पर्टिकुलर जो भी पीसेस है सब प्रोडक्ट्स अलग अलग उसमें आते हैं. तो ये पहले इस पैकेट में था ताकि ये बिल्कुल सिक्योर रहे. देन उसके बाद अगेन ये इसके पर्सनल पैकेट में है.
तो ये है मेरा टेजल लेदर टेजल ईयरिंग एंड ये बहुत ही यू नो मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने लिया। इसमें आई थिंक आपको दो शेड्स मिल रहे थे, एक बेज कलर का था एंड एक ब्लैक शेड, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली। सो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लूँगी, मैंने ये लिया। एंड इसकी क्वालिटी है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मतलब फ्रेंडली सा लगता है ये, आप देख सकते हैं लेकिन कुछ इस तरह का। एंड इसका प्राइस आई थिंक 79 और 80 रुपीज समथिंग ऐसा कुछ प्राइस है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना। सो गाइज नेक्स्ट मैंने ये लिया है, ये बहुत ही अच्छा सा यू नो स्टेटमेंट ईयरिंग है एंड मुझे एक्चुअली इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, मैंने फर्स्ट टाइम इतना कलरफुल ईयरिंग लिया है एंड स्टेटमेंट ईयरिंग्स आजकल बहुत ट्रेंड पे है तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ। एंड एक्चुअली गाइज मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मैंने जब इसको इमेज में देखा था तो ये पिक में बहुत ही छोटा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि काफ़ी छोटा होगा यू नो लाइक इतने से साइज़ का होगा, बट मैंने जब देखा तो इसका साइज़ बहुत ह्यूज था तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ। तो आप इसको किसी भी लाइक यू नो साड़ी एंड लाइक एथनिक वेयर में आप इसको कैरी कर सकते हो, कि कुछ ऐसा दिखता है। मुझे इसका डिज़ाइन पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली मैंने इसके कलर के लिए लिया, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो। सॉरी ये बहुत ही यू नो लाइक ओशन ग्रीन कलर का कलर है एंड मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, लाइक इसमें ये स्टेटमेंट पर्ल्स है एंड इसमें ब्लू कलर की स्टेटमेंट्स वर्क है, लाइक ग्रीन कलर का ओशन ग्रीन कलर का भी इसमें स्टेटमेंट वर्क है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ से एक अलॉय चेन है, इट्स रियली हैंडी, सो आई लव देम। एंड इसका प्राइस आई थिंक 92 या 95 समथिंग है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं अगेन स्क्रीन पर डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका मैं लिंक डाल ही दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि प्राइस लीजिए। नेक्स्ट मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं, ये स्टड इयररिंग्स है, मुझे बहुत ही क्यूट एंड क्लासिक लगा था ये इयररिंग एंड इसमें आई थिंक 2 या 3 शेड्स थे और आई थिंक एक ब्लैक और एक वाइन रेड कलर का था, तो मैंने ब्लैक एक्चुअली मैंने बहुत सारे इयररिंग्स मैंने पहले भी ले रखे हैं, पहले भी मेरे पास बहुत सारे, मैंने सोचा यार अगेन मैं ब्लैक लूँगी, वैसे भी मैं ब्लैक फ़ैन हूँ, ब्लैक कलर की लव हूँ, तो मैंने सोचा यार इस बार थोड़ा अलग ही लेती हूँ। ये बहुत ही यू नो क्यूट एंड क्लासी सा है, ग्रे कलर का मैंने लिया एंड ये पहनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। देखिए कुछ ऐसा दिखता है एंड मुझे बहुत ही क्यूट लगा ये पर्सनली एंड इसका प्राइस आई थिंक 75 अराउंड ऐसा कुछ था इसका प्राइस, मुझे अगेन याद नहीं है तो गाइज मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो ये कुछ इसका लुक जो है, ये थोड़ा वेलवेट राउंडेड बॉल है एंड इसके पीछे ये जो हुक है इसके नीचे से यहाँ से स्टिक से आती है ये बॉल, ये भी वेलवेट कवर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। एंड इसका मुझे वाइन रेड कलर भी बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, बट मैंने थोड़ा अलग लेने का सोचा तो मैंने ये वाला लिया। तो गाइस नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्यूट सा इयररिंग, मैंने इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस देखे थे बट मुझे ये बहुत क्यूट लगा यू नो ये आउल वाला, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था पर्सनली एंड ये पहनने के बाद कुछ पर्सनली आई लव देम यू नो। एंड मैंने सोचा था ये बहुत यू नो लाइट वेटेड होगा बट उतना लाइट वेट भी नहीं है, बहुत क्लासी सा एंड क्यूट सा लग रहा है, लाइक आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो इजीली, सो मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड इसका प्राइस आई थिंक 100 और 105 रुपीज़ था, मुझे अगेन याद नहीं है तो स्क्रीन पर डाल दूँगी और वहाँ से देख लीजिएगा। एंड इसका लॉक बहुत अच्छा है यार, अभी तक खुल रहा ही नहीं है, तो गाइस आप देख सकते हो इसमें इसकी जो आईज है ये स्टोन वर्क्ड है एंड नीचे आपको यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्डन कलर का जो भी है चेन टेजल मिल रहा है एंड ये ऑल गोल्डन कलर का बहुत क्यूट सा है, लाइक छोटू सा। लास्ट मैंने एक हैवी सा एक ईयरिंग लिया, मैंने सोचा मैं सारे ऐसे यू नो वेस्टर्न ड्रेस वाले लूँगी तो नहीं चलेगा, तो मैंने एक एथनिक ड्रेस के साथ वेयर करने के लिए मैंने ये लिया, ये बहुत ही अच्छा सा स्टोन वर्क यू नो
स्टेटमेंट वर्क वाला ईयरिंग है, तो मुझे इसका वर्क बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। आप इसको वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हो एंड एथनिक ड्रेस के साथ भी। वेस्टर्न ड्रेस के साथ अगर आप व्हाइट शर्ट पहने या फिर ब्लैक कलर का समथिंग कुछ ड्रेस पहने तो उसके साथ बहुत ही प्रिटी लगेगा। इसमें दो शेड्स थे, इसमें और एक व्हाइट शेड भी था। लाइक आप इसमें जो ब्लैक स्टोन्स देख रहे हैं वो भी प्रॉपर व्हाइट थे, बट मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ये थोड़ा यूनिक लग रहा था तो मैंने ये लिया। एंड यू नो ये हैवी भी है, मतलब क्वालिटी वाइज देखा जाए तो जो लोकल होते हैं लाइक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है, तो ये हैवी भी है। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिटी सा, तो मुझे इसका वर्क पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड ये भी आई थिंक 100 and 105 के अराउंड है, तो आप एक बार चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना, या फिर मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी इसका प्राइस, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये पंक ईयरिंग लिया है। एक्चुअली मेरे को ये बहुत टाइम से लेना था, मैंने सोच के रखा था मैं लूँगी। मैंने नायका पे भी मैंने सेम ये डिज़ाइन दिखा था, बट उसमें आई थिंक 200 या 300 समथिंग ऐसा कुछ रेंज था, बट मैंने क्लब फैक्ट्री पे जब देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका रेंज। एक्चुअली इसका प्राइस मेरे को अभी तक याद है, ये 72 रुपीज़ का है। एंड स्पेशली गाइज मेरे को इसलिए ये लेना था क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में एक दीपिका पाडुकोन इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, तो मैंने सोचा था कि मेरे को ऐसा ईयरिंग चाहिए। उन्होंने भी सेम ऐसा ही एक ईयरिंग पहन के रखा था, तो मेरे को बिल्कुल सिमिलर लगा। लाइक बिल्कुल सेम तो नहीं है बट सिमिलर वैसा ही कुछ डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही ले लूँ। तो ये कुछ ऐसे पहनते थे, यस सॉरी, कुछ ऐसा है। एंड आप इसको सिंपल ऐसे भी पहन सकते हो, एंड इसके साथ आपको एक छोटा सा एक स्टोन भी देते हैं ताकि आप नीचे अपने पियर्सिंग वाले जगह पे आप इसको कैरी कर सको। तो ऐसे कैरी करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअली लव इट। इसमें आपको दो शेड्स मिलते थे, लाइक एक सिल्वर और एक गोल्डन, बट मैंने गोल्डन वाला लिया, इसकी सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने गोल्डन वाला लिया। एंड गाइज इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल रहे थे आपको ऐसे पंक ईयरिंग में, बट मेरे को ये पर्सनली यही लेना था तो मैंने ये लिया। एंड ये थोड़ा यूनिक भी है, लाइक इसमें थोड़ा स्टडी है, तो ये वन पीस स्टड ईयरिंग है, पंक ईयरिंग्स आपको वन पीस ही मिलते हैं, लाइक एक कान में ही पहनना होता है, तो दो ईयर्स के लिए आपको मिलता नहीं है, तो आई लव इट सो मच। एंड इसका प्राइस जैसे कि मैंने बताया था, मेरे को याद है इसका प्राइस रेंज 72 रुपीज़ है, अगर मैंने थोड़ा गलत भी बोला तो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, मैसेज चेक कर लीजिए। सेकेंड मैंने ये अलॉय टेजल नेक पीस लिया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें थोड़ा सा दो थ्रेड है ऊपर, इसमें एक यहाँ पे आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका वर्क। एंड नीचे आपको एक ब्लैक कलर का एक चेन मिल जाता है जिसमें आपको ब्लैक कलर का लेदर टेजल मिलता है, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यू नो क्यूट सा है, छोटू सा, एंड पर्सनली मैंने इसको सोचा था कि मैं इस वाले ईयरिंग के साथ कैरी करूँगी तो फिर ये परफेक्ट मैच होगा, तो मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए लिया है। अदरवाइज ये ना तो चोकर है गाइस एंड ना ही कोई ऐसा यू नो स्टडी सा कुछ चेन है, ये बहुत ही यूनिक सा अलॉय नेक पीस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, अच्छा है। एंड इसका प्राइस आई थिंक 61 समथिंग ऐसा कुछ होगा, एंड ऐसे कुछ नहीं। सेकेंड गाइस मैंने ये नेक पीस लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं मैं इसको पहनूंगी कि नहीं, बट मैंने ये लिया। एंड इसका प्राइस आई थिंक अराउंड 80 और ऐसा समथिंग कुछ था, अगर मैं कुछ गलत बोली तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, आप गाउन वगैरह कैरी कर सकते हो तो आप उसके साथ पहन सकते हो, तो मैंने सेकेंड ये लिया। एंड इसका प्राइस जैसे कि मैंने बता दिया अराउंड 80 and 100, इससे ज़्यादा रेट आई थिंक इसका नहीं। सेकेंड मैंने ये लिया स्वीट कलर का आईब्रो पेंसिल, एंड आई डोंट नो इसका क्वालिटी कैसा है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, तो इसको आप देखते हैं। तो ये इसका पैकेजिंग तो आपने देख ही लिया होगा, ये कुछ ऐसा आता है। एंड मैंने देखा इसका रिव्यू भी अच्छा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। ये बिल्कुल एंगुलर शेप में आता है, बहुत क्रीमी बेस में लग रहा है मेरे को। एंड मैंने मीडियम ब्राउन कलर में लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्रोज डार्क है। इसके पिगमेंटेशन हम देख लेते हैं, पिगमेंटेशन भी ओके है एंड बस स्मूथ है, यू नो
आप कैटब्रोज पे आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो. एंड आई थिंक इसका प्राइस कुछ मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 100 and 105 समथिंग ऐसा कुछ रेंज है इसका. तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही थी स्क्रीन पे डाल दूँगी, अगेन मैं बोल रही हूँ. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में. एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं ट्राई करूँगी तो मैं और दो दिन इसको मंगवा लूँगी. नेक्स्ट मैंने ये मंगवाया है, ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है. एक्चुअली मेरा पैर वाला टूट चुका है. तो गाइस मैंने ये मंगवाया एंड मैंने गलती कर दी. इसमें दो ऑप्शंस थे, लाइक एक ऐसा और एक ट्राइपॉड स्टैंड था, उसमें उसके साथ अडॉप्टर भी था. बट मैंने गलती से सिर्फ ट्राइपॉड स्टैंड ही ऑर्डर कर दिया एंड अडॉप्टर वाला मैंने कैंसिल कर दिया था. तो इसमें मेरा अडॉप्टर नहीं आया, सिर्फ मेरा ट्राइपॉड स्टैंड आया. तो मैंने अगेन मेरा सेकेंड मंथ में मेरा जो है नेक्स्ट मंथ मेरा और एक ऑर्डर मैं रिसीव करूँगी, उसमें ही मेरा वो अडॉप्टर आएगा. तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा. तो ये बहुत ही उन्होंने अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा. ये ऑक्टोपस फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, लाइक आप इसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जैसा चाहे शेप देकर आप इसको स्टैंड कर सकते हो. एंड इस पर आप अपना कैमरा भी, लाइक छोटा सा कैमरा आप इस पर सेट कर सकते हो एंड आपका फ़ोन भी इस पर सेट कर सकते हो. पर्सनल मैं अपना जो वीडियो है मैं उसको अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन के लिए इसको ऑर्डर किया. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत अफोर्डेबल रेंज में था. आई थिंक मेरे को याद नहीं है इसका रेंज, कुछ समथिंग 126 or 130 के अराउंड में था, अगर मैं कुछ गलत बोल रही थी. अगेन मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा. इसमें आपको तीन कलर्स मिल रहे थे, लाइक ब्लैक था एंड रेड था एंड ब्लू था. सो मैं तो ब्लैक कलर की लवर हूँ तो मैंने ब्लैक कलर लिया. एंड इस पर आपको बहुत अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ के थे, बट मेरे को ये अच्छा लगा, ये थोड़ा फ्लेक्सीबल है, यू नो मैं किसी भी शेप में कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए इसको ही चूज़ किया. तो आप देख लेना, लाइक जैसे मैंने कहा था कि गैजेट्स के स्टॉक्स मिलते हैं, तो इस तरीके के स्टॉक्स मिलते हैं. लाइक आपको गैजेट्स फ़ोन रिलेटेड एंड कैमरा रिलेटेड जो भी आपको गैजेट चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के गैजेट्स मिल जाएंगे. तो मैंने ये छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड लिया. ये थी मेरी छोटी सी एक क्लब फैक्ट्री की तरफ से एक हॉल. एंड अगेन मैं बोल रही हूँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्लब फैक्ट्री वालों के लिए, मेरी तरफ से एक एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ. मैंने एक रिव्यू क्रिएट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग सेटिस्फाई रहे प्रोडक्ट्स, अगर ले आप क्लब फैक्ट्री पर ट्रस्ट कर सके. एंड गाइज मैंने अभी फर्स्ट टाइम कुछ भी जो मैंने प्रोडक्ट्स अभी परचेज़ किया है वो मैंने क्लब फैक्ट्री से फर्स्ट टाइम किया है. तो मैंने अभी फिर से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड मेरा फेब्रुअरी पे मेरा अगेन मैं अपना ऑर्डर रिसीव करूँगी. तो मेरा पार्सल रिसीव करने के बाद मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगी क्लब फैक्ट्री के ऊपर, तब तब रेडी रहिएगा. मैं उसमें कुछ क्लोथिंग भी ऐड कर रही हूँ एंड कुछ ज्वेलरीज भी एंड कुछ यू नो गैजेट्स भी है. तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. टिल टेक केयर, बाय बाय. एंड अगेन गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी कर दीजिएगा. एंड आई नो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो. बाय बाय.